दोस्तों, आपका स्वागत है आर्डिनोज़ में। चैनल को सब्सक्राइब किया, स्क्रीन के नीचे एक बटन दिया होगा सब्सक्राइब को, उसे दबाइए, या स्क्रीन के कोने पर एक बटन दिया होगा सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स, उसको क्लिक कीजिए ताकि मैं आप तक ऐसे ही न्यूज़ पहुँचाता रहूँ। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है कृपया वो ना दबाएँ उस बटन को। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। तो जोधपुर की घटना है ये। जोधपुर में एक गाँव के सरपंच और उसके आदमियों ने कथित तौर पर एक 20 साल की लड़की को जिंदा जला दिया। ये क्यों हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये पेड़ काटने की वजह से ये झगड़ा हुआ, जिसके कारण ये घटना इतनी बढ़ गई कि इतना हो गया कि उस लड़की को उसके ऊपर पेट्रोल डाला और उसे जला दिया गया। आज सुबह उसकी मृत्यु हो चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, उसकी मृत्यु हो गई है। लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, और काटने जा रहे हैं पेड़ को तो उसमें से उन कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से एक अपराधी अभी भी फरार चल रहा है, इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई थी। लेकिन बहुत गलत हुआ है, क्योंकि पेड़ हमारी जीवन का एक अहम चीज़ है। पेड़ नहीं होगा तो इंसान नहीं होगा। तो इसलिए पेड़ों को बचाने के लिए लड़की ने करा था, उसको जिंदा जला दिया गया उसके सरपंच और उसके आदमियों ने। तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी। तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आप तक ऐसी न्यूज़ पहुँचाता रहूँगा। बिकले इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय।